A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स के पैसे का किस हद तक बंदरबांट किया जा रहा है, इसका एक नमूना गगेव जनपद की कराधान घोटाले में फंसी चंदेह ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की उपस्थिति में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वान मौके पर शिकायत का परीक्षण किए, जिसके बाद उखड़ी पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर उन्होंने कहा इसकी एक बार पुनः तकनीकी स्तर से जांच की जाएगी। वहीं नदी के ऊपर बनाए गए बिना बेस के एप्रॉन पानी के साथ बहते हुए दिखे। यदि इस 14.5 लाख रुपए के इस रपटे पर नजर डाले तो इसमें आधे से अधिक रिकवरी भी बनना तय है, क्योंकि तकनीकी मापदंडों से हटकर नदी में बनाया गया रपटा ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। अन्य कई रपटे निर्माण होना भी कागज में बताया गया है, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला, जिससे किस किस के लिए पेमेंट हुआ और कौन से कार्य स्वीकृत के बाद हुए यह भी निर्धारित किया जाना शेष है। शांति धाम निर्माण और उसकी बाउंड्री वॉल अधूरी पड़ी है। वहीं अलग अलग नामों से एक ही स्थान पर पीसीसी सड़कें कैसे बनी हुई हैं यह भी सोचने का विषय है। आइए सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। देखिए, आज एक जांच थी चंदेह ग्राम पंचायत की, गंगेव जनपद के अंतर्गत आती है और मनगमा तहसील। इस जांच के दौरान कई सारे पंचायती कार्यों में अनियमितता पाई गई है। लगभग 11-12 बिंदुओं का जांच था, जिसमें रपटा निर्माण, कलवर्ट पुलिया निर्माण और चबूतरा निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण और साथ में पीसीसी के निर्माण, कई सारे इसमें बिंदु थे। और हमने ये देखा कि इन सभी कार्यों में जो वहाँ पर उपस्थित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री टीपी गुरुद्वान थे, उनकी उपस्थिति में जाँच हुई। और जैसे जो कार्य थे उनमें हमने पीसीसी सड़क में देखा कि उसका ऊपर का पोर्शन पूरा उखड़ा हुआ था और कई दरारें पड़ी हुई थी। ये उसकी अमानक और गुणवत्ताविहीन कार्य का परिचायक था। इस जांच में आज एक भौतिक सत्यापन टाइप का हुआ और कोई तकनीकी, मतलब ऐसे खोद करके कहीं या किसी मटेरियल टेस्टिंग टाइप की ऐसी जाँच नहीं हुई है। पर भौतिक सत्यापन में ही ये देखने को मिला कि जो पीसीसी सड़कें, मतलब मुश्किल से 5-7 साल की ही हैं, या कुछ पीसीसी सड़कें 2 साल की थी, 3 साल की थी, उन पर भी दरारें थी, वो भी उखड़ी हुई थी। रपटे निर्माण में हमने ये देखा कि जो एक नदी के ऊपर रपटा निर्माण रपटा बनाया गया था, उस रपटे में हमने देखा कि उसका बेस ही नहीं है, एप्रॉन पूरी तरह से बह गया है। चूंकि उसमें बेस नहीं था और एप्रॉन ऊपर से ही रख दिया गया था, इसलिए वो रपटा का जो एप्रॉन है पूरी तरह से बह गया था। लेकिन नीचे पत्थर थे तो इसलिए वो रपटा दिख तो रहा है कि रपटा बना हुआ है, लेकिन उसमें गुणवत्ता के साथ नीचे काफ़ी समझौता किया गया है। इसी तरह से अन्य शांति धाम में हमने देखा कि शांति धाम अधूरा पड़ा हुआ है, 8.25 लाख रुपए निकल गया। इसी तरह से बाउंड्री वाल के नाम पर 10.5 लाख रुपए निकल गया और वो बाउंड्री वाल भी अभी अधूरी पड़ी हुई है। कई सारे ऐसे मामले थे, पुलिया निर्माण, रपटा निर्माण, पुल और सब अन्य इस तरह से चबूतरे निर्माण, चबूतरे जो बनाए गए थे, चबूतरों में दरारें हैं चारों तरफ से, जो अमानक गुणवत्ताविहीन कार्य का द्योतक है। इसमें ये स्पष्ट पता चलता है कि यदि सही तरीके से इसकी रिकवरी बनाई जाती है तो लगभग 40-50 लाख रुपए के आसपास का ये पूरा बंदरबांट इसमें किया गया है और एक कराधान घोटाले में भी फंसी हुई पंचायत है जिसकी जांचें चल रही है। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।